नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी मेहनत के बदौलत राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बड़े सवाल आपके हैं, उन पर मैं आपके साथ आज चर्चा करने आया हूँ। एज कितनी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मेरिट कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं एक एक समझाने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। मुझे पता है सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, खैर फिर भी अगर कोई भी सवाल और रह जाता है ना, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। उन कमेंट्स का मैं एक Q&A टाइप अलग वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करूंगा सभी के सवाल उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हम चलाते हैं, टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, और पेड कोर्स भी है पूरा अगर आप लेना चाहते हैं तो। आइए शुरू करते हैं आज की इस बात को। दोस्तों, 1512 पद है। सबसे पहला सवाल मैं मेरिट को लेकर ही बताता हूँ, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी शायद, और यही सवाल उठ रहे हैं। देखो, जब टेक्निकल हेल्पर से पहले इंजीनियर्स की वैकेंसी आई थी ना, तब ये बात हुई थी कि कॉमन मेरिट बनाएंगे और फिर हम कैंडिडेट से प्रायोरिटी पूछेंगे, और उसको जो वो डिज़ायर करेगा उस सीक्वेंस में हम पोस्टिंग देंगे। सपोज दैट सबसे पहले एक जूनियर इंजीनियर विद्युत उत्पादन निगम का चयन करता है और वहाँ सीटें भर जाती है, तो उसकी प्रेफरेंस नंबर 2 देखी जाएगी कि उसने वरीयता नंबर 2 पर किसे दी। एंड मान लीजिए कि वो उसने जोधपुर विद्युत वितरण निगम को दिया, वहाँ सीट खाली है तो दे देते थे। बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर की। दोस्तों, अभी तक का जो नोटिफिकेशन आया है, हो सकता है कि सुबह तक इसका पूरा आई जाए नोटिफिकेशन जिसमें सारी डिटेल हो, लेकिन हाल फिलहाल के लिए कॉमन मेरिट का कहीं कोई उम्मीद मुझे नहीं लग रही है, कहीं कोई डिटेल मुझे नहीं लग रही है। यानी मेरे हिसाब से अभी जो टेक्निकल हेल्पर की कट ऑफ या मेरिट बनेगी ना, वो डिस्कॉम वाइज ही रहेगी, ये ध्यान रखना। एक कॉमन मेरिट की कोई संभावना नहीं है। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती या एक बड़ा डर हमारे सामने आ गया कि जो जोधपुर डिस्कॉम है, जिसमें राजस्थान के 12 ज़िले आते हैं, जोधपुर, पाली, ये अपना इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ठीक है, उधर से बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, ये सारे जोधपुर डिस्कॉम में आते हैं ज़िले। इन ज़िलों के कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि मात्र 400 सीटें हैं। आपको यहाँ अपने आप को कम्पीट करना होगा। तो एक बार मैं आपको 1500 पोस्ट की डिस्कॉम वाइज डिटेल बता दूँ। जयपुर विद्युत वितरण निगम में सबसे अधिक सीटें हैं और 1035 सीटें हैं। हालांकि 6 महीने पहले हमें पता लग गया था, एक दिन उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया था इन सीटों का, वैसे ही सीटें निकल कर आई है। इसका मतलब उपेंद्र जी को अंदर की बात पता तो रहती है। नंबर 2 पर है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है ना। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है, इसमें है 397 सीट मात्र, तो भैया बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया। अब गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, मेरे आसपास 4 ज़िले, भैया आप लोग अब सोच लो क्या होगा। बहुत बड़ा कंपटीशन है, और मैं बता दूं बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके लिए, यूँ समझ लो। वैसे तो 400 पद कम नहीं होते, दिल्ली मेट्रो में 400 पद आ जाएँ तो हम बहुत खुश होते हैं। अब हमें 400 पद कम लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पीछे मत रहो मत रहो। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, छोड़ मत देना इसको। और कैसे लपकना है भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर लपकना ज़रूर है, ठीक है ना। अजमेर विद्युत वितरण निगम पर आ जाओ भाई, मात्र 80 सीटें हैं, इनको तो कुछ दिया ही नहीं। ज़िले तो इसमें भी काफ़ी आते हैं, लगभग वही 10-12 ज़िले अजमेर में भी आते हैं, है कि नहीं। अपना सीकर, झुंझुनू, ये तो सारे अजमेर डिस्कॉम में ही आते हैं। तो भैया प्रॉब्लम हो गई ना, केवल 80 सीटों से क्या बात बनेगी बताओ। तो
वैकेंसी तो आपके सामने है, ये पोस्ट है और मेरिट अभी तक का अपडेट यही है, डिस्कॉम वाइज है। हालांकि फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो चेंज हो ही जाए, क्या पता, लेकिन अभी तक का जो मुझे लग रहा है उस हिसाब से यही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म की अगर अपन बात करें तो ऑनलाइन अप्लीकेशन 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और अपना बेच ऑफलाइन वाला 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ज़रूर ऑफलाइन बेच जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आइए, वेलकम है सभी का। हेल्पलाइन नंबर मैंने दिए हुए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, खैर आप सभी को पता ही है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 28 फरवरी रखी है। तो दोस्तों एक तो ये मानकर चलना मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, पूरी संभावना है। अगर अगले एक महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए तो संभावना है, उसके बाद 2 से 3 महीने का गैप आ जाता है अगर एक बार टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता है तो। पहला एग्ज़ाम का समय ये मानकर चले। बात करूँ मैं एज लिमिट की, सबसे बड़ी बात यही होती है, तो 18 से 28 वर्ष की एज है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एज हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट भी है। जो ओबीसी की कैंडिडेट है राजस्थान के, उनको 3 साल की छूट है, और जहाँ तक मुझे पता है एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट होती है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए मेरा क्या सुझाव है, उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि एक तो आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखें जयपुर डिस्कॉम में फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ सीटें ज़्यादा है। अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, डिस्कॉम चयन में गलती मत कर देना, क्योंकि आपको तो जोधपुर में ड्यूटी करनी, अजमेर में ड्यूटी करनी, जयपुर में ड्यूटी करनी, एक ही बात है तीनों जगह। तो आप जयपुर डिस्कॉम का चयन करना फॉर्म अप्लाई करते समय। दूसरी बात, आपको अनरिजर्व ही फाइट करना पड़ता है हमेशा, अदर स्टेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। लगभग 50% राजस्थान में रिजर्वेशन है, तो 50% अगर आप इसका निकालते हैं तो भी 500 सीटें लगभग आपको मिल जाएगी, जबकि यहाँ तो टोटली 400 है देखो, ठीक है। अब हालांकि गुजरात से जो बिलोंग करते हैं, जैसलमेर बाड़मेर उनके नज़दीक लगता है, गुजरात वाले जोधपुर डिस्कॉम को चयन करते हैं, पर जो भी आपका हो खैर ओपिनियन आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग और कितने क्वालिफाई करेंगे, उन पर भी मैं चर्चा करता हूँ। देखो मेरी तरफ से बड़ी बातें जितनी भी मुझे मिली है सारी मैं निकाल करके लाया, और देखो जहाँ तक मेरा मानना है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। इसलिए आराम से पेपर करना, मस्ती से करना, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात वही, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो राजस्थान वाले 5 ऑप्शन देते हैं, 5 ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं। कितना बुलाएंगे और ये अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं पता है, लेकिन फिर भी कम से कम मान करके चलना 10 गुना तक का हम आइडिया ले सकते हैं। 10 गुना बच्चों को परी के बाद मेन एग्ज़ाम में बुला सकते हैं। मेन और परी एक दिन या एक साथ नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। और आपका कोई भी सवाल हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करना, Q&A टाइप का वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों को।